12 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया कि वो रेडी है रफाइल डील पर एक नई प्ली को एंटरटेन करने के लिए। ये प्ली फाइल की गई थी मनोहर लाल शर्मा के द्वारा, जो चाहते हैं कि रफाइल डील पर लगे करप्शन के एलिगेशंस पर फिर से इन्वेस्टिगेशन हो। रफाइल डील, जो कि फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन के साथ 36 फाइटर एयरक्राफ्ट्स को इंडिया ट्रांसफर करने की डील है, वो 2014 में नरेंद्र मोदी लीड गवर्नमेंट के आने के बाद से ही करप्शन और फेवरेटिज्म के कॉन्ट्रोवर्सी में घिरी हुई है। 14 नवंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने मनोहर लाल शर्मा और बाकी कई लोगों की रफाइल डील के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन की डिमांड को डिसमिस करते हुए कहा था कि डील में कोई भी डिस्क्रिपेंसी नहीं है। इस डिसीजन को लेकर एक रिव्यू पिटिशन डाला गया था, जिसे फिर से नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था। इसके बाद ही मसला शांत हो गया और जुलाई 2020 से रफाल के एयरक्राफ्ट्स की सप्लाई डिसॉल्ट ने शुरू कर दी। एयरक्राफ्ट्स का पहला बैच 29 जुलाई को इंडिया आया, सेकंड बैच नवंबर 2020 में और थर्ड बैच ऑफ एयरक्राफ्ट्स जनवरी 2020 में सप्लाई किया गया। 1 अप्रैल को फोर्थ बैच 3 और रफाल एयरक्राफ्ट के साथ इंडिया पहुंचा। लेकिन फिर एक खबर आती है जिससे 1.5 साल से शांत हो रखी इस कॉन्ट्रोवर्सी में नया रुख सामने आता है। 8 अप्रैल को मीडिया पार्ट नाम की एक फ्रेंच वेबसाइट ने एक आर्टिकल पब्लिश किया, जिसमें यह एलिज किया गया कि एक इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन सुशेन गुप्ता को डसॉल्ट एविएशन ने मिलियन यूरोज दिए हैं मिडिलमैन बनकर रफाल डील इंडियन गवर्नमेंट के साथ क्रैक कराने के लिए। इस रिपोर्ट का कहना था कि सितंबर 2016 में जब रफाल डील फाइनलाइज हुई, तब मिस्टर गुप्ता की कंपनी डेफसिस सॉल्यूशंस को डसॉल्ट ने 1 मिलियन यूरोज यानी कि लगभग 8.63 करोड़ रुपीस दिए थे। मीडिया पार्ट ने एलिगेशंस फ्रांस के एंटी करप्शन एजेंसी एजेंसी फ्रांसाइज एंटी करप्शन के हवाले से लगाए हैं, जिसने 2018 में अपनी ऑडिट में ये फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसी डिस्कवर किए थे। जब एजेंसी ने डसॉल्ट एविएशन से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए, तब डसॉल्ट इस ट्रांजैक्शन का कोई लेजिटिमेट रीजन नहीं दे पाई थी। इसके बाद से रफाइल डील पे पॉलिटिकल गर्मागर्मी बढ़ गई है। कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन रणदीप सुरजेवाला ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से सफाई मांगी है। बीजेपी के लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने काउंटर अटैक करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी रफाल को क्लीन चिट दे दी है और एलिजिड मिडिलमैन सुशेन गुप्ता ऑलरेडी जेल में बंद है अगस्ता वेस्टलैंड केस में। मगर ये रफाल इतना कॉन्ट्रोवर्शियल बना कैसे, इसको समझने के लिए हमें पास्ट में जाना होगा। इंडिया में एयरक्राफ्ट परचेज हमेशा से थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल रहा है। 1945 के बाद जब कोल्ड वॉर शुरू हुआ तो दुनिया दो हिस्सों में बढ़ गई, यूएसए एंड यूएसएसआर। यूएसए एंड यूएसएसआर का डोमिनेंस दुनिया भर में था। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान ने भी रिस्पेक्टिवली अपनी साइड्स पिक कर ली थी। जहां पाकिस्तान एक यूएस अलाई बन गया, वहीं इंडिया का झुकाव यूएसएसआर की तरफ बढ़ गया। पाकिस्तान को यूएस ने 1950s और 60s में उस वक्त के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड लॉकहीड F-104 स्टार फाइटर एयरक्राफ्ट और F-86 सेबर एयरक्राफ्ट सप्लाई करे थे। वहीं इंडिया ब्रिटिश राज के जमाने के आउटडेटेड जेट्स जैसे कि हैवीलैंड वैम्पायर और हॉकर हंटर यूज कर रहा था। इसकी वजह से 1965 में पाकिस्तान से वॉर के वक्त इंडिया को एयर फ्रंट में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। जब पाकिस्तान यूएस से एयरक्राफ्ट सप्लाई करवा रहा था, उस वक्त इंडिया ने सोवियत यूनियन से एयरक्राफ्ट परचेज चूज किया। इसी सिलसिले में 1964 में इंडिया ने यूएसएसआर से MiG-21 सुपरसोनिक जेट फाइटर्स खरीदे। साथ ही में सोवियत यूनियन के साथ इंडिया में MiG-21 एयरक्राफ्ट की फैक्ट्री सेटअप करने की भी डील हुई, जिसकी हेल्प से इंडिया फ्यूचर में मिग खुद मैन्युफैक्चर कर पाता। लेकिन इंडिया में मिग को मैन्युफैक्चर करना घातक साबित हुआ। 2012 में उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर एके एंटनी ने राज्यसभा में ये रिवील किया कि पिछले 40 सालों में 842 Mi-21 एयरक्राफ्ट में से 482 क्रैश हो गए हैं। इसका मतलब ये था कि हर दूसरा MiG-21 एयरक्राफ्ट जो इंडिया में बना, वो क्रैश में हमने गवा दिया। मिग्स अपने क्रैश के लिए इतने अनपॉपुलर हो गए कि उन्हें फ्लाइंग कॉफिन और विडो मेकर कहा जाने लगा। दरअसल इंडियन मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स मिग एयरक्राफ्ट्स की कॉम्प्लेक्स इंजन और मैकेनिज्म को टैकल नहीं कर पा रही थी। और ये प्रॉब्लम फील हुई कारगिल वॉर के वक्त, जब मिग एयरक्राफ्ट्स की मैलफंक्शनिंग की वजह से इंडियन एयरफोर्स को अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ी। कारगिल वॉर के बाद नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम को रिवैम करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने कई सारे स्टेप्स लिए, जिनमें से एक था डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर DPP। DPP के तहत फॉरेन कंट्रीज से डिफेंस की इक्विपमेंट खरीदने की प्रोसेस स्ट्रीमलाइन की गई। बाई 2008 इंडिया के एयर पावर की सिचुएशन खराब हो रही थी, जहां मिग एयरक्राफ्ट्स फ्रिक्वेंटली क्रैश कर रहे थे। फाइटर स्क्वाड्रन्स की स्ट्रेंथ 39.5 की सैंक्शन स्ट्रेंथ से घटकर 32 हो गई थी। सिचुएशन ऐसी थी कि अगर उस वक्त पाकिस्तान के साथ एक फुल फ्लेज्ड वॉर होती तो शायद इंडिया एयर फ्रंट में पीछे रह जाता, बिकॉज पाकिस्तान से प्रॉपर वॉर के लिए इंडिया को 44 स्क्वाड्रन तक की स्ट्रेंथ रखनी पड़ती। इन्हीं शॉर्टकमिंग्स को मद्देनजर रखते हुए इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री अगस्त 28, 2007 को एक प्रपोजल इशू करती है, जिसमें 126 मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट फाइटर्स प्रोक्योर किए जाते हैं। और यहीं से शुरू होती है रफाल और रफाल कंट्रोवर्सी की जर्नी। कंपटीशन 6 फाइटर एयरक्राफ्ट के बीच था, जिसमें से इवेंचुअली 2 टेक्निकल इवोल्यूशन के बाद
फाइनल राउंड तक पहुंचे। यूरोफाइटर टाइफून और फ्रांस में बने डसॉल्ट रफेल। 31 जनवरी 2012 को अनाउंस किया जाता है कि बिट डसॉल्ट रफेल ने जीत ली है फॉर बीइंग द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव। डील के अंडर डसॉल्ट को इंडियन एयरफोर्स को 126 एयरक्राफ्ट सप्लाई करने थे, जिसमें से 18 डसॉल्ट एविएशन खुद सप्लाई करता और बाकी के 108 एयरक्राफ्ट इंडिया की स्टेट ओन्ड एरोस्पेस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करती, जिसके लिए टेक्नोलॉजी डसॉल्ट ट्रांसफर करता। फरवरी 2014 में डिफेंस मिनिस्टर ए के एंटनी अनाउंस करते हैं ड्यू टू बजटरी कंस्ट्रेंट्स डसॉल्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो पा रहा है। फिर उसी साल अप्रैल में इलेक्शंस होते हैं और नरेंद्र मोदी लेड एनडीए गवर्नमेंट यूपीए को रिप्लेस कर लेती है। अप्रैल 2015 फ्रांस में एक ऑफिशियल विजिट पर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया कि क्रिटिकल ऑपरेशनल नेसेसिटी के कारण इंडिया डसॉल्ट से 36 फुली बिल्ड रफेल खरीदेगा। जुलाई 2015 मनोहर पारिकर ने राज्यसभा में अनाउंस किया कि 126 एयरक्राफ्ट की डील कैंसिल कर दी गई है और अब 36 एयरक्राफ्ट की नेगोशिएशन शुरू कर दी गई है। सितंबर 2016 इंडियन कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की क्लियरेंस के बाद इंडिया और फ्रांस ने 36 एयरक्राफ्ट्स अराउंड 59,000 करोड़ की डील में रफेल एयरक्राफ्ट्स के एक्विजिशन के लिए एक इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट साइन किया। डील के हिसाब से 26 सिंगल सीटर एयरक्राफ्ट और 8 डुअल सीटर एयरक्राफ्ट एक्वायर होने थे। साथ में एक ऑफसेट क्लॉज था जिसके तहत डील में इन्वॉल्व कंपनीज जैसे कि डसॉल्ट, थेल्स, सैफरन और MBDA को अपने कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 50% इंडिया में इन्वेस्ट करना होगा। 3 अक्टूबर 2016 अनिल अंबानी लेड रिलायंस ग्रुप डसॉल्ट एविएशन के साथ एक जॉइंट वेंचर अनाउंस किया, जिसके तहत ये दोनों कंपनीज एरो स्ट्रक्चर्स, डिफेंस के इंजन और बाकी कंपोनेंट्स इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगी। डसॉल्ट इसी वेंचर के थ्रू अपना ऑफसेट इन्वेस्टमेंट भी करना चाह रहा था। 14 नवंबर 2017 कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन रणदीप सुरजेवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें वो एलर्ज करते हैं कि रफेल डील के थ्रू एक बड़ा स्कैम होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को अंडरमाइन करके रिलायंस को फायदा पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने इन्फ्लेटेड कॉस्ट को मेंशन करते हुए कहा कि यूपीए के वक्त की डील पे जहां एक प्लेन का कॉस्ट 526 करोड़ था, वो अब 1570 करोड़ कैसे पहुंच गया। फरवरी 2018 बजट सेशन के दौरान जहां अपोजिशन बार बार गवर्नमेंट से डील में इन्वॉल्व 59,000 करोड़ का फाइनेंशियल ब्रेकअप मांग रही थी, डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इसे डिस्क्लोज करने से इंकार कर रही थी। उनका कहना था कि इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट के क्लॉज के तहत ये क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन और मटेरियल एक्सचेंज प्रोटेक्टेड डिटेल्स हैं। सितंबर 2018 फॉर्मर फ्रेंच मिनिस्टर फ्रांसोए सोलांडे ने रिवील किया कि इंडिया ऑफसेट पार्टनर के सिलेक्शन के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली रिलायंस का नाम दिया था। गवर्नमेंट इस क्लेम को डिनाई कर देती है, ये कहते हुए कि डील रिलायंस और डसॉल्ट के प्राइवेट कमर्शियल एग्रीमेंट है। सितंबर 2018 इसी महीने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तैयार हो गई PIL को एंटरटेन करने के लिए, जो कि सीक कर रहा था रफेल डील की कैंसलेशन अगेंस्ट अलेज्ड करप्शन। 10 अक्टूबर 2018 सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से डिटेल्स मांगे रफेल डील्स के। 24 अक्टूबर 2018 फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर यशवंत सिन्हा, अरुण शौर्य और लॉयर प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट जाते हैं रफेल डील में FIR रजिस्टर करवाने के मोटिव से। 14 दिसंबर 2018 इस दिन सुप्रीम कोर्ट ने रफेल डील के केस पे जजमेंट देते हुए सारी पिटीशंस जो कि एक प्रोब की डिमांड कर रहे थे उन्हें डिसमिस कर दिया। कोर्ट ने गवर्नमेंट को 3 एस्पेक्ट्स पर क्लीन चिट दी, डिसीजन मेकिंग, प्राइसिंग और सिलेक्शन ऑफ ऑफसेट पार्टनर। 2 जनवरी 2019 यशवंत सिन्हा, अरुण शौर्य और प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट से रफेल वर्डिक्ट की रिव्यू करने की मांग की। 8 और 13 फरवरी 2019 द हिंदी न्यूज़पेपर के एडिटर एन राम दो पार्ट में 8 और 13 फरवरी को एक रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। इसमें वो कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स का हवाला देते हुए एक्सपोज करते हैं कि रफेल डील के ट्रांजैक्शन में बड़ी प्राइस जंप हुई थी क्योंकि मैंडेटरी प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं किया गया। 26 फरवरी 2019 इस एक्सपोज के बाद सुप्रीम कोर्ट ओपन कोर्ट रिव्यू के लिए मान गई। 6 मार्च 2019 द हिंदू का केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है इंडिया के अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल के पास। द हिंदू पब्लिकेशन पर रफेल के सीक्रेट डॉक्यूमेंट चोरी करने का एलिगेशन लगाया जाता है और कहा जाता है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स का उल्लंघन किया गया है। एन राम ये एलिगेशंस डिनाई करते हुए कहते हैं कि उन्हें ये जानकारी एक कॉन्फिडेंशियल सोर्स से मिली है जिसके बारे में वो कुछ भी रिवील नहीं करेंगे। 10 अप्रैल 2019 सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट के ऑब्जेक्शंस को खारिज कर दिया अगेंस्ट द यूज ऑफ मटेरियल्स पब्लिश्ड इन द हिंदू फॉर हियरिंग द रिव्यू पिटीशन। 14 नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट फाइनली सारे रिव्यू पिटीशंस को रिजेक्ट कर देती है और अपने दिसंबर 2018 में दिए गए वर्डिक्ट को अपहोल्ड करती है। जुलाई 2020 ये कंट्रोवर्सी थमने के 8 महीने बाद रफेल एयरक्राफ्ट्स का पहला बैच इंडिया आने के लिए तैयार था। 28 जुलाई 2020 को 5 रफेल एयरक्राफ्ट 700 किलोमीटर की दूरी तय करके फ्रांस के मेरिग्नैक एयरबेस से अंबाला के एयर स्टेशन पर लैंड करते हैं। ऐसा लग रहा था कि फाइनली इस इशू पर कोई नया कॉन्ट्रोवर्शियल डेवलपमेंट नहीं होगा।
मगर फिर 8 अप्रैल 2021 को मीडिया पार्ट नाम के वेबसाइट पर पब्लिश हुए आर्टिकल ने रफाल कॉन्ट्रोवर्सी को फिर से हमारे सामने लाके खड़ा कर दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सुप्रीम कोर्ट इस बार भी अपने पुराने डिसीजन को अपहोल्ड करता है या इस मुद्दे पे कोई नया डिसीजन सामने आता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपका क्या थॉट है इस पूरी कॉन्ट्रोवर्सी को लेकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।